मैंने और हमारा साथ 9 एमपी लोकसभा राज्यसभा मिला के 10 मेंबर का डेलीगेशन हम अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट करके आ रहा हूँ। हमारा मेमोरेंडम का कॉपी आपको मिल जाएगा बाद में, पार्टी ऑफिस दे विल डिस्ट्रीब्यूट यू। मैंने जो बात आपने देखा कि हमारा 100 दिन का जो रुपया नहीं मिल रहा है, जिन्होंने काम किया है गरीब लोगों ने, उसका रुपया भी बंद हो पड़ा पड़ा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटरी है, ये रुपया देना चाहिए, आज तक नहीं दे गया है। और 2022-23 का जो बजट हुआ था, वो बजट में 100 दिन के लिए काम के लिए हमारा स्टेट को एक पैसा भी नहीं दिया था। तो 100 दिन का काम के लिए उसको पैसा जल्दी से जल्दी देना। दूसरी है आवास योजना का स्कीम बंद कर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट का स्कीम बंद कर दिया है, और हेल्थ मिशन का प्रोग्राम भी बंद कर दिया है, रुपया नहीं दे रहा है। फाइनेंस कमीशन का रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो इसी में क्या होता है कि अगर कोई गलती हो तो आप रुपया रुक दो, लेकिन 155 टीम्स ऑलरेडी विजिटेड बंगाल। जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा हम लोगों ने, पूरा ऑफिसर ने वो क्लैरिफिकेशन दिया, बात भी किया है, आज तक कुछ नहीं मिला। हम पहले भी तीन दफे प्राइम मिनिस्टर को मीट किया है और ये दफे भी मीट करके जा रहा हूँ। पीएम ने आज कहा है कि उनका ऑफिसर और हमारा ऑफिसर मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग होगा, उसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन को जरूरत हो। मैंने बोला क्लैरिफिकेशन तो हमने 195 बार दे दिया, तो उसका बाद भी जरूरत हो तो एक मीटिंग जरूर कर सकते हैं ऑफिसर, एंड दे कैन डिसाइड द फॉर्मूला इन फेडरल स्ट्रक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द शेयर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द शेयर, तो वी आर नॉट गेटिंग द शेयर फ्रॉम द सेंट्रल शेयर फॉर द पुअर पीपल। दैट्स वाई हमने चाहते हैं कि इसको गरीब लोगों को रुपया बंद करके रखना ठीक नहीं है, ये हम लोगों ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर ध्यान से सुना और कहा है ठीक है, हम दो ऑफिसर स्टेट का सेंट्रल को बैठ के मीट करके इसको कोई डिसीजन हम ले लेंगे। इतना तक हमारे साथ डिस्कशन हुआ है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन। हेलो, उन्होंने धनखड़ साहब को फोन किया था और बहुत देखिए, ऐसा बारे में मेरा कुछ पता नहीं है, मैंने इसका बारे में कोई नहीं कटेंगे। मैं आज आया था, हम लोग कहा है कि हम लोग बोला था मीटिंग का टाइमलाइन एक होना चाहिए, सुदीप बंदोपाध्याय ने इशू रेस किया था, हम लोग बोला था, तो उन्होंने कहा है हाँ हम टाइम बाइंडिंग करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट माई पार्लियामेंट्री पार्टी, दे आर एनफ टू रिप्लाई द क्वेश्चन, देयर इज अ सिस्टम, आई डोंट इंटरफेयर इन द पार्लियामेंट्री पार्टी बिजनेस, सो यू कैन आस्क सुदीप बंदोपाध्याय एंड शो डेरेक ओब्रायन, दे आर एनफ टू गिव द रिप्लाई। टोटल कितना इसका हम कहा है, इसी के लिए पीएम ने कहा है कि ऑफिसर को एक ज्वाइंट मीटिंग करा देंगे, जैसे इसको कोई हाल निकाल सकता है। मैंने इसका बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसमें हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी दे आर टेकिंग केयर, सो दे विल बी फेयर एनफ टू टेक द डिसीजन। हम लोग कहा है एक को टाइम बाउंड होना चाहिए। मिले हुए हो भाई? हाँ किया था, और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। हाँ किया है, नहीं नहीं खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए,
तुम्हारा फेस कौन है। तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए, खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। आपके प्रपोजल से क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। এটা পার্টি প্রোগ্রাম, উই আর নট ডিসকাসিং দিস পার্টি প্রোগ্রাম রাইট নাও হিয়ার। চাহ কি 100% ভিভিপ্যাট কাউন্টিং হোনা চাই। মমতা জি, মমতা জি, এক সওয়াল এক সওয়াল নিচে হো যা ভাই, নিচে হো যা। লেকিন আপ टीएमसी के सबसे बड़ी नेता के तौर पर क्या आप मानती है कि ये मिमिक्री करना उपराष्ट्रपति क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो आप समर्थन कर रहे हो इसका मतलब? आप समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब समर्थन कर रहे हैं? बंगाल छोड़ के मैं अंत पे कोई बात में टिप्पणी नहीं कटेगी। ममता जी, एक सवाल और, सरकार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अनाउंस प्रपोज किया चुनाव लड़ने के लिए, सब बात मैं आपको कहेंगे। जो मेरे को कहना था मैंने कह दिया। प्लीज आप लोग अच्छा रहिए, मेरे को शुभकामना है नए साल के लिए और मेरी किस्मत।